नमस्कार, मैं अश्वानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 1 सितंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इन जिलों में खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर। एसके सिंघल ने कहा, बिहार में होता है कम संसाधनों में भी अच्छा कार्य। तेलंगाना सीएम ने बिहार आकर कहा, जब जब क्रांति हुई है तब तब देश में शांति आई है। महीने की पहली तारीख से नियमों में हो सकते हैं बदलाव। हांगकांग को 40 रनों से हराकर भारत ने सुपर चार में बनाई जगह। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इन जिलों में खोले जाएंगे स्क्रैप सेंटर। राज्य में पुरानी और दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए पटना में 5 स्क्रैप सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ऐसे 12 जिलों में एक एक आवेदकों ने कबाड़ केंद्र खोलने के लिए आवेदन दिया था, जिसकी मंजूरी भी मिल गई है। इसमें समस्तीपुर, सिवान, भागलपुर, दरभंगा, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, मधुबनी, सहरसा और मधेपुरा शामिल है। आपको बताते चले कि गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी व्यक्तिगत या फर्म, सोसाइटी या ट्रस्ट के जारी वाहन कबाड़ सेंटर खोल सकता है। हालांकि इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। वहीं स्क्रैप सेंटर को नष्ट किए जाने वाले वाहनों का रिकॉर्ड 3 माह तक रखना होगा। इसके बाद इस डेटा को सरकार को देना होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे प्राची सिन्हा की। प्राची सिन्हा एक भारतीय मॉडल और अभिनेत्री हैं। वह लोकप्रिय टेलीविजन जी टीवी पर विश्वकन्या में वरदान की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं। उन्हें फिल्म एंग्री यंग मैन में भी कास्ट किया गया था। प्राची सिन्हा का जन्म 5 अप्रैल 1996 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। उन्होंने अधिकांश समय नई दिल्ली में बिताया और उन्होंने लॉ में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्राची के करियर की शुरुआत बम भोलेनाथ नामक एक तेलुगु फिल्म से हुई थी। उन्होंने फिल्म बम भोलेनाथ में मुख्य भूमिका निभाई थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों का बिहार में एक बार फिर बवाल। बीते दिन एक बार फिर से बीपीएससी के अभ्यर्थियों की नाराजगी देखने को मिली। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने पैटर्न में बदलाव कर 2 पाली में परीक्षा को आयोजित करने की घोषणा पर कोई संज्ञान नहीं लेने के मामले में सड़क पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी कर दी। दरअसल प्रदर्शनकारी छात्र जब बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद भी वे नहीं माने तो पुलिस ने काबू में करने के लिए बल प्रयोग किया। साथ ही 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को 5 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इससे भी भारी संख्या में अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। IFZTB ने 16 रिक्तियों के लिए निकाली अधिसूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग IFZTB कोयम्बटूर ने सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, सीनियर रिसर्च फेलो, सीनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट एसोसिएट, जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट के कुल मिलाकर 16 रिक्तियों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री या MSc या MTech या PG या BSc या 12th पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 19 सितंबर 2022 है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट ifztb.icfre.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। तेलंगाना सीएम ने बिहार आकर कहा, जब जब क्रांति हुई है तब तब देश में शांति आई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बीते दिन पटना दौरे पर केंद्र सरकार को खूब लताड़ा। इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार ज्ञान की भूमि है, यहाँ जब जब क्रांति हुई है तब तब देश में शांति आई है। KCR ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत हुई है, एक बात पर सहमति बनी कि किसी भी प्रकार से BJP की सरकार को देश से बाहर करना है। KCR ने कहा कि 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है, देश के सभी लोग परेशान हैं। इस दौरान KCR ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने की वजह से बिहार के 12 मजदूरों के परिवार से मुलाकात की और 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी। महीने की पहली तारीख से इन नियमों में हो सकते हैं बदलाव। आज सितंबर महीने की पहली तारीख है और इसी के साथ आज कई नियमों में बदलाव भी होंगे, जिसका असर आम लोगों के जनजीवन पर पड़ेगा। सबसे अधिक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े एजेंट पर असर पड़ेगा। दरअसल बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के एजेंट के कमीशन को 20% तक सीमित कर दिया है। अभी तक एजेंट को कमीशन के रूप में 30% से 35% तक मिलता था। नेशनल पेंशन स्कीम के नियमों में भी बदलाव
लगा हुआ है। इसके तहत वाइंड ऑफ प्रेजेंस को 1 सितंबर से 15 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक कमीशन मिलेगा। वहीं पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा भी होती है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार टोकन नंबर उपयोग किए जाने की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य भर में गणेश उत्सव की धूम, यहाँ महाराष्ट्र से आए पुरोहित ने की प्राण प्रतिष्ठा। गणेश उत्सव की धूम देश के साथ साथ बिहार में भी देखने को मिल रही है। राज्य भर में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पटना के महाराष्ट्र मंडल में दिन के 10:30 बजे श्री गणेश की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। महाराष्ट्र के सांगली से विशेष तौर पर आए पुरोहित प्रशांत जहांगीरदार लालबाग के राजा की प्रतिकृति की प्राण प्रतिष्ठा की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के सचिव संजय भोसले ने बताया कि गत 52 वर्षों से श्री श्री गणेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ लगभग 6 फीट ऊंची प्रतिमा का श्रृंगार विशेष ढंग से किया गया है। वहीं राज्य के अलग अलग जगहों से भी गणेश उत्सव की धूम की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। तेलंगाना मुख्यमंत्री के बिहार आगमन पर नीतीश कुमार ने कही ये बात। बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पटना पहुंचे। इस दौरान पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चंद्रशेखर राव के जमकर गुणगान किए। इस दौरान नीतीश कुमार ने केसीआर की तारीफ में कहा, आपने ही तेलंगाना को अलग राज्य बनवाया है, लोग यह कैसे भूल सकते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग आपके खिलाफ बोलते हैं, यह तो आश्चर्यजनक है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा दी है। साथ ही मीडिया पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अब पहले जैसा खबर नहीं चलाते हैं, एक तरफा खबर चलाते हैं, किसी एक की प्रशंसा और हमारी आलोचना कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में गलवान घाटी में शहीद जवानों के परिजन को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों को लेकर BSPHCL गंभीर आज होगी बैठक। स्मार्ट मीटर लगने से बिहार के राजस्व में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हालांकि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों को लेकर BSPHCL सीरियस है। उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने EECL के अधिकारियों के साथ बैठक कर गाइडलाइंस को पालन करने को कड़ा निर्देश दिया है। उधर ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भी BSPHCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हंस की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आज 1 सितंबर को दिल्ली में डिस्कॉम एजेंसियों और EESCL के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इन जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव दिख रहा है। बीते दिन राज्य भर के अधिकांश क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से बिहारवासियों ने उमस भरी गर्मी से राहत की सांस ली है। बिहार की बात करें तो अगले 3 दिन तक कई राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिला शामिल है। मौसम विभाग के द्वारा इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। यूरिया की किल्लत पर पूर्व कृषि मंत्री ने जताई कड़ी आपत्ति। राज्यभर में अभी खरीफ फसलों के लिए यूरिया की किल्लत चल रही है। महागठबंधन की सरकार यूरिया की किल्लत का दोष केंद्र सरकार पर मढ़ रही है, तो वहीं विपक्ष इसका आरोप नीतीश सरकार पर लगा रही है। दरअसल एनडीए सरकार में बिहार सरकार के कृषि मंत्री रह चुके अमरेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र पर दोष देना आसान काम है, हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस नीति का पालन किया है, जितनी कीमत तय है उसको डिस्प्ले करें और उतनी कीमत पर बेचने का आदेश दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि खरीफ के समय हम लोगों ने केंद्र सरकार के साथ बैठक की और आपूर्ति को सुनिश्चित कराया। इसके बाद भी मौजूदा नीतीश सरकार के मंत्री केंद्र सरकार पर कम आपूर्ति का दोष दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले, जांच एजेंसियों को प्रतिशोध का एक उपकरण बना दिया गया है। जिस तरह से बीते 26 अगस्त को सीबीआई ने राजद के 25 ठिकानों पर छापेमारी की है, उससे राजद के कई नेताओं की मांग थी कि सीबीआई की एंट्री बिना सरकार की परमिशन से नहीं होगी। इस पर तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि क्या वाकई तेजस्वी यादव को इन जांच एजेंसियों से दिक्कत है। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीते 8 सालों से जांच एजेंसियों को राजनीतिक प्रतिशोध का एक उपकरण बना दिया गया है। 8 साल पहले देशवासियों ने इनकी इंटीग्रिटी और कार्यप्रणाली पर इस तरह के सवाल कभी नहीं उठाए थे। सभी हमारा सीबीआई से विरोध इंस्टीट्यूशन से नहीं बल्कि इनकी राजनीति से प्रेरित कार्यप्रणाली से है।
सुशील मोदी का नीतीश के सीआर पर तंज, दो दिवस स्वप्न देखने वालों का मिलन। बीते दिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव बिहार दौरे पर आए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। नीतीश कुमार और केसीआर की मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज थी। इस बीच पूर्व डिप्टी सीएम सह भाजपा नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच प्रस्तावित बैठक दो दिवस स्वप्न देखने वालों का मिलन है। केसीआर के नाम से लोकप्रिय राव बुधवार को पटना पहुंचने वाले हैं, वह नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात पर तंज कसते हुए मोदी ने कहा कि यह अपने अपने राज्यों में जनाधार खो रहे हैं और इसके बावजूद दोनों नेता प्रधानमंत्री बनने की लालसा कर रहे हैं। मनियार मठ इस वजह से है बेहद खास। बिहार में कई दर्शनीय, ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल मौजूद हैं जो कि आपके बिहार पर्यटन को यादगार बना सकते हैं। उन्हीं में से एक है मनियार मठ। राजगीर की घाटी के अंदर मनियार मठ एक प्रमुख स्थान है। सोन भंजार गुफाओं के रास्ते में आंतरिक शहर के बाड़े के लगभग केंद्र में स्थित इस मठ का पुरातात्विक महत्व है। यह गर्म पानी के झरने से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैन साहित्य में मनियार मठ को रानी चेलन्ना और शीलभद्र का निर्माण कूप भी कहा जाता है। अजात शत्रु की माता चेलन्ना विदेह यानी वैशाली की राजकुमारी थी। मनियार मठ को बौद्ध काल के यज्ञ का स्थान भी माना जाता है। यह बेलनाकार ईंटों से बना है। यह गुप्त काल की कला का अद्भुत उदाहरण है। शमीम अहमद ने संभाला कानून मंत्रालय का कार्यभार। महागठबंधन की सरकार में कानून मंत्री बनाए गए कार्तिक सिंह से कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी लेकर गन्ना मंत्री शमीम अहमद को दे दी गई है। वहीं गन्ना मंत्रालय शमीम अहमद से लेकर कार्तिक सिंह को सौंपी गई है। दरअसल महागठबंधन सरकार में जब से कार्तिक सिंह को कानून मंत्री बनाया गया तभी से ही वो विवादों में घिरे हुए थे। विपक्ष उन पर दागी होने का आरोप लगा रहे थे। इसी को देखते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग होने लगी। इस बीच नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कानून मंत्रालय शमीम अहमद को सौंप दी है। यहाँ बीते दिन शमीम अहमद ने कानून मंत्रालय का कार्यभार संभाला और नीतीश तेजस्वी को धन्यवाद अदा किया और कहा कि मुझे कानून मंत्री के योग्य समझने के लिए धन्यवाद। हमारी प्राथमिकता होगी कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस की नीति को अच्छी तरह से पालन करवाना काम करने वालों के लिए कोई चुनौती नहीं होती है। एसके सिंघल ने कहा बिहार में होता है कम संसाधनों में भी अच्छा कार्य। पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल का कहना है कि रूरल पुलिसिंग में बिहार का राष्ट्र में उच्च स्थान है। एसके सिंघल का कहना है कि बिहार में कम संसाधनों में भी अच्छा कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि 11 महीनों के भीतर 12,686 सिपाहियों को प्रशिक्षित कर जिलों में भेजा जा रहा है। यह अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। गंभीर कांडों में जिला स्तर पर गिरफ्तारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिसके लिए अधिकारी सराहना के पात्र हैं। एंटी लिकर टास्क फोर्स ने भी काफी अच्छा काम किया है। वहीं एडीजीपी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि हर 15 दिन पर कम से कम 5% निष्पादन करना है। 3 महीने में लंबित कांडों में 30% निष्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। पप्पू यादव का दावा, बिहार में नहीं चलेगा शाह का दाव। जॉब सुप्रीमो पप्पू यादव का दावा है कि अमित शाह जो जातिवाद का जहर घोलने बिहार में आ रहे हैं वो दाव बिहार में नहीं चलने वाला है। दरअसल अमित शाह का अगले महीने सितंबर में बिहार के दौरे का कार्यक्रम लगभग तय हो गया है जिसके बाद बिहार में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। इस पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि अमित शाह का जादू बिहार में चलने वाला नहीं है क्योंकि सीमांचल और कोसी कम्प्लीट रूप से ओबीसी दलित माइनॉरिटी कमजोर तबके ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है जो आपकी आइडियोलॉजी वाले राजनीति से मेल नहीं खाता है। पप्पू यादव ने कहा कि जो माइनॉरिटी दलित यादव या अन्य लोग विचार आपके विचारधारा से मेल नहीं खाता है आप सीमांचल के दौरे पर वही अपनी पुरानी राग को अपनाएंगे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय संगीतकार चिम्मबई वैद्यनाथ भगवतार का जन्म 1895 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के खलनायक अभिनेता के एन सिंह का जन्म 1908 को हुआ था। भारतीय क्रिकेटर माधव मंत्री का जन्म 1921 को हुआ था। मशहूर पटकथा लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता हबीब तनवीर का जन्म 1923 को हुआ था। हिंदी के कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 को हुआ था। भारत के राजनीतिज्ञों में से एक पीए संगमा का जन्म 1947 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री पद्मा लक्ष्मी का जन्म 1970 को हुआ था। मशहूर धारावाहिक अभिनेता राम कपूर का जन्म 1973 को हुआ था। सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का निधन 1574 को हुआ था और आज के दिन भारतीय मानक समय को 1947 में अपनाया गया।
वायरल खबर में आज हम बात करेंगे प्रति ट्रांजैक्शन 57.05 रुपए की कटौती के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खाते में जमा राशि से प्रति ट्रांजैक्शन 57.05 रुपए की कटौती के बारे में। दरअसल एक वायरल खबर में यह दावा किया जा रहा है कि बचत खाते में वर्ष में 40 ट्रांजैक्शन से अधिक होने पर जमा राशि से प्रति ट्रांजैक्शन 57.05 रुपए की कटौती की जाएगी और ATM से 4 बार से अधिक पैसा निकालने पर कुल 173 रुपए काट लिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। PIB फैक्ट चेक द्वारा किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ये दावे फर्जी हैं, SBI ने ट्रांजैक्शन के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अभी से ही सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। इधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुई है, जिसके बाद से देश की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों हम के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात महागठबंधन को मजबूत करने को लेकर हुई है। साथ ही इन दोनों नेताओं के बीच में देश में चल रहे राजनीति हालात पर भी चर्चा हुई है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में लखनऊ में हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हो सकती है। डाकघर से घर बैठे बनवाए पासपोर्ट। बिहार में डाक विभाग ने पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना कर दी गई है, जिससे कि आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि सीमांचल और मिथिलांचल के लोगों में विदेश जाने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद से पोस्टल विभाग ने प्रदेश में पासपोर्ट बनाने को लेकर अपनी सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा, जहां पर नई पासपोर्ट के ऑप्शन को चुनना होगा। यहां आपसे नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस का चुनाव करना होगा। इसके बाद आप तय समय पर नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में जाकर अपना डॉक्यूमेंट की जांच करवा सकते हैं। अनचाहे संदेशों से बचने के लिए एडमिन को मिलेगी ये सुविधा। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर एक नया फीचर आ गया है, जो ग्रुप एडमिन्स को सभी के लिए संदेशों को हटाने की क्षमता प्रदान करेगा। कुछ दिन पहले ही प्लेटफॉर्म ने गूगल प्ले बीटा प्रोग्राम के माध्यम से एक नया अपडेट जारी किया था, जो वर्जन को 2.22.17.12 तक ला रहा है, और इससे ग्रुप एडमिन को डिलीट फॉर एवरीवन की सुविधा मिलेगी। अब ग्रुप एडमिन सभी के लिए कोई भी मैसेज हटा सकता है। गिरफ्तारी के बाद बिगड़ी KRK की तबीयत। अपने बयानों की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले कमाल आर खान उर्फ KKR को मुंबई हवाई अड्डे से 2020 में कुछ विवादास्पद ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मंगलवार को कमाल राशिद खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद कमाल आर खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। न्यूज़ एजेंसी NI के मुताबिक कमाल आर खान को गिरफ्तारी के बाद सीने में दर्द उठा, जिसकी वजह से उन्हें मुंबई के शताब्दी अस्पताल में ले जाया गया। हांगकांग को 40 रनों से हराकर भारत ने सुपर चार में बनाई जगह। रोहित आर्मी ने बीते दिन खेले गए एशिया कप 2022 के चौथे मुकाबले में हांगकांग को 40 रनों से हराकर सुपर चार में जगह पक्की कर ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली के अर्धशतक की बदौलत हांगकांग के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में हांगकांग ने आखिरी तक लड़ाई जारी रखी, लेकिन निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 152 रन ही बना सकी। यह मैच विराट के फैंस के लिए भी बेहद अहम रहा, क्योंकि मैच में विराट ने 44 गेंदों में अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 59 रन बनाकर नाबाद लौटे। बिहार में मिले COVID-19 के 150 से भी कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 133 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 856 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 5, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 26, भोजपुर, गया, गोपालगंज और दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण और जहानाबाद में 2, कटिहार में 1, मधेपुरा 2, मधुबनी 1, मुंगेर 7, मुजफ्फरपुर 9, नालंदा और नवादा 1, पटना में सबसे अधिक
41 मामलों की पुष्टि हुई है। पूर्णिया में 1, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर में 2, सारण में 17, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल में 1 और वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं एक ऐसे मरीज की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है जो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन कोरोना सैंपल बिहार में कलेक्ट किया गया है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 92,549 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 126 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रविशंकर, शशि पटेल, रंजीत सिंह, योगेंद्र कुमार, नीलम कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, पंकज कुमार, बाबूलाल राय, काव्या सिंह और कुलदीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आप अपने क्षेत्र की पुलिसिंग व्यवस्था से संतुष्ट हैं या नहीं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।